हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप लोग CBSE साइंस चैलेंज हैं और अपना क्विज खेलकर आप लोग सर्टिफिकेट जीतना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग क्या प्रोसेस करेंगे, कैसे करेंगे विदाउट रजिस्ट्रेशन। मैं आज आप लोगों को सब कुछ सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और दीक्षा ऐप को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। जब आप लोग दीक्षा ऐप डाउनलोड कर लोगे उसके बाद यहाँ पर जब आप ओपन करोगे तो ओपन करने पे आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें आपको सबसे पहले इंग्लिश पे क्लिक करना है। अगर आप ऑप्शन लेकर चलना चाहते हो आगे तो इंग्लिश पे लिख के कंटिन्यू किया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों से पूछेगा कि आप एक टीचर हो, स्टूडेंट हो या हेड टीचर या फिर के ऑफिशियल्स हो या पेरेंट हो या फिर के एनी अदर, ठीक है। तो आप मान लिया कि स्टूडेंट हो, आप लोगों ने स्टूडेंट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देने लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना है। देन यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बच्चों कि हमसे पूछा गया है कि हमारा बोर्ड कौन सा है, वो हमें सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट बोर्ड में आप लोग जाओगे तो अगर आप CBSE से हो तो CBSE बोर्ड सेलेक्ट कीजिए, है ना। तो यहाँ से CBSE बोर्ड हमने सेलेक्ट कर लिया। मीडियम कौन सा है, इंग्लिश मीडियम हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। देन उसके बाद हमारी क्लास कौन सी है, तो हम लोग क्लास 10th ले लेते हैं, ठीक है। क्लास हमने 10th ले लिया। देन उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास यहाँ पे पूछेगा स्टेट कौन सा है आपका, स्टेट डालेंगे आप लोग। दिल्ली है तो दिल्ली में कौन सा है, मान लिया कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है। देन सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन शो हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को क्या कर, यहाँ पे आप लोगों को एक नीचे ऑप्शन दिख रहा है इस तरीके का कैप बना हुआ, ठीक है। इसी कैप के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो हमें सबसे लास्ट वाले पे जाना है जहाँ पे लिखा है CBSE साइंस चैलेंज 2021 एंड 22। इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप लोगों यहाँ पे बताया गया सर्टिफिकेट क्राइटेरिया वगैरह और क्रेडिट्स और लाइसेंस इन्फो वगैरह दिया है, कोर्स मॉड्यूल भी दिया गया है, इंट्रोडक्शन। तो हम लोग को सीधा यहाँ पे ज्वाइन कोर्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे लॉगिन मांगेगा, लॉगिन पे आप लोगों ने किया। अब आपके पास यहाँ पे अगर आप लोगों ने रजिस्टर कर रखा है तो आप लोग यहाँ ऊपर क्लिक करोगे, अदरवाइज साइन इन विद गूगल, तो गूगल से आप लोग साइन इन करना। यहाँ पे आप लोग सीधा क्या करोगे, साइन इन किया, मान लियो हमने अपनी आईडी से हम लोगों ने साइन इन कर दिया। साइन इन करने के बाद हमारे पास इस तरीके का मॉड्यूल ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, कंटिन्यू लर्निंग पे अगर आप देखना चाहते हो किस तरीके से सिखाया जाएगा, मतलब कैसे आपको क्विज वगैरह खेलना है, तो सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन वगैरह आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग मैंने पहले ही ट्राई किया था तो यहाँ पे शायद चैलेंज ओपन होकर आएगा डायरेक्टली, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो CBSE साइंस चैलेंज है, इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन हम लोगों ने चलो ओवर कर लिया। यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन आईडी मांगा था, यही जो ऑप्शन होता है, अगर आपके पास स्कूल से रजिस्ट्रेशन आईडी है तो आप लोग फिल कीजिए, अदरवाइज आप लोग नेक्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट क्विज स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, जो भी आपको आंसर ठीक लगता है, और नीचे देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे तो पूरा क्वेश्चन दिख जाएगा। इस तरीके से आप लोग अपना क्विज खेल सकते हो, ठीक है। और लास्ट में जब फाइनल आंसर सबमिट करोगे देन उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आधा घंटा मिलेगा जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे, और जब सबमिट कर दोगे तो इसके बाद आपका सर्टिफिकेट जनरेट होकर आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ऑल ऑफ यू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बी कनेक्टेड एंड स्टे अपडेटेड।